फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली पुलाव। तो चलिए अब इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। चिकन का या बीफ का, मटन का, कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीफ का लिया है। और यहाँ पर मैंने रखा है 1 बड़े प्याज और यहाँ पर 3 बड़े लहसुन की कली है। अगर आपके पास बड़ी है तो 1 यूज करिए। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च यूज करने के लिए रखा है। यह है खार नहीं है तो मैंने इतना सारा रखा है। यहाँ पर यह है सौंफ है 3 बड़े स्पून। यहाँ पर है 4 बड़े चम्मच धनिया के। और यहाँ पर है 1 बड़े प्याज, वो मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर है कुछ साबुत, तेज पत्ता 2 लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल, जावित्री यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी पहले से ही रखा है बॉईल के लिए। और ये है मैंने जो प्याज इसी पर फ्राई करके इसी पर पानी ऐड कर दिया है तेल निकाल कर। तो इसी पर मैं यहाँ पर कुछ साबुत ऐसे ही डालूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से एक काटन का कपड़ा लेकर एक पोटली बन पोटली के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून धनिया, सारा धनिया। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून सौंफ है। और यहाँ पर जो इलायची सभी है इन्हीं को भी मैं हम इसको पोटली बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पोटली थोड़ा ढीला होना चाहिए। और हम इसको पानी पर ऐड कर देंगे। और फिर इसी पर तेज पत्ता, 1 प्याज, 3 लहसुन की कली और हरी मिर्च। और इसी पर हम ऐड कर देंगे बीफ। साल्ट टू टेस्ट मैंने यहाँ पर अभी 2 स्पून का ऐड किया है। इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करकर 15 टू 20 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। ये बीफ है तो हम इसको विजिल रखेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, 20 मिनट्स हो गया है तो अब हम देखते हैं कि इसका हाल कैसा है। तो ये देखिए इस तरह से होता है। तो हम प्याज को और लहसुन को निकाल लेंगे और पोटली को भी। ये देखिए इस तरह से। तेज पत्ता भी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो तेज पत्ता ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और हम पोटली को भी निकाल लेंगे। इसमें जो सारा पानी है तो हम इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब जो हमने पोटली बनाकर डाला था तो उसका स्मेल भी इस पर अच्छे से आ गया है। और इसका स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छा है। अब हम इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने लहसुन लिया था 3 और प्याज, सब कुछ गल गया है। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय लहसुन के। लहसुन को मैंने इस तरह से इसका जो हमें लहसुन चाहिए, देखिए सारा लहसुन इस तरह से निकल जाएगा।
छिलका इसी पर रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से लहसुन को निकाल दिया है। ये देखिए लहसुन जलकर आ गया है और छिलका हमने फेंक दिया है। तो अब हम इसको बगार में यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से एक चटर लिया है। तो अब हम इस पर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो प्याज भूनकर फ्राई कर रखा था वही तेल मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है ये 2 बड़े चम्मच ऑयल है। ये ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 2 इलायची, लौंग और पट्टा, ये भी मैं इसी तरह कर दूंगी। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है तो मैं इस पर 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर जो लहसुन रखा था वो भी मैं इसी पर ऐड कर दूंगी। तीन हरी मिर्चें और मैं इस पर भी 1/2 टीस्पून साल्ट यूज कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1/2 बाउल दही लिया है, ये भी मैं इसी पर ऐड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने पका दिया है। तो अब जो है हमने कुकर पर रखा था गोश्त का पानी वो मैं इस पर ऐड करूंगी। और इसको एक बॉयल आने तक हम छोड़ेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए कि नमक खा सभी ठीक होगा। फ्रेंड्स, पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है तो मैं अब इस पर राइस ऐड कर दूंगी। यहाँ पर 1 किलो राइस है ये। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर राइस ऐड कर दिया है। अब हम इसको राइस पकने तक छोड़ेंगे। आपको अगर पानी कम लगा या फिर राइस नहीं गला तो आप और थोड़ा पानी डालकर ऐड कर भी पका सकते हैं। मैं इसी पर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर धनिया पत्ता है, हम इसी पर धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल से खुशका बनाते हैं ना, इसी तरह से ये, बट ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल है। इसका नाम है यखनी पुलाव। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए तो आप बिरयानी भूलकर यही पकाएंगे अपने घर पर। तो फ्रेंड्स, वो आप ट्राई कीजिए। लाइक, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स पर बताइए कैसा लगा। तो फिर ये खाना पकने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है। ठीक फ्रेंड्स, राइस पक चुका है, 90% पक चुका है। तो मैं इस पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, रेड फूड कलर। एक ही साइड हम डालेंगे। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर प्याज रखा था फ्राई करके वो भी मैं इसी पर ऐड कर दूंगी इस तरह से। और हम थोड़ी देर इसको 5 मिनट्स के लिए ढक कर रखेंगे। कोई वजन चीज इस पर रख दीजिए, तरह से हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुका है तो अब हम देखते हैं पक चुका है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुका है। देखिए, ये देखिए, अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से पक गया है। अगर मेरे रेसिपी पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स पर बताइए कैसा लगा। अगली वीडियो पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।